हेलो एवरीवन, होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भवानीपुर एडुकेशनल सोसाइटी कॉलेज के बारे में और बीबीए के बारे में, क्योंकि यहाँ का बीबीए जो है टॉप नॉच है। हर कोई चाहते हैं यहाँ इससे बीबीए करने का, और यहाँ का बीबीए काफ़ी अच्छा है। और जो लोग प्लान कर रहे हो भवानीपुर एडुकेशनल सोसाइटी कॉलेज में बीबीए करने के लिए, तो डेफिनेटली जा सकते हो। काफ़ी अच्छा सा इंस्टीट्यूट है और कोलकाता में तो अच्छा ही है भाई, बहुत अच्छा है। ठीक है, और इनके बारे में बात किया जाए तो ये बीबीए ऑफ़र करते हैं, और बीबीए में आपको चार स्पेशलाइजेशन ऑफ़र होता है: मार्केटिंग, फिनांस, एचआर, मार्केट मैनेजमेंट ऑफ ग्लोबल बिजनेस। ये चार स्पेशलाइजेशन यहाँ पे ऑफ़र किया जाता है, और बीबीए में आपको बहुत सारे चीज़ों को ये लोग सिखाएंगे, कैसे आप बिजनेस को हैंडल कर सकते हो, कैसे आप मैनेजमेंट को हैंडल कर सकते हो, कैसे आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें ये लोग सिखाएंगे। जब आप कॉलेज में जाओगे तो आपको ये लीडरशिप क्वालिटी भी सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर डिटेल बीबीए से रिलेटेड, कि आपका पूरा प्रोसीजर कैसे होने वाला है, एडमिशन का एलिजिबिलिटी कैसे होने वाला है, फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। ठीक है, एडमिशन कब से स्टार्ट होगा, 2024-25 का। ठीक है, हालांकि वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखा है, पर काफ़ी लोगों को आ रहा था कि भैया एक बार और मुझे बता दीजिए, तो चलिए आपके लिए एक बार और बता देते हैं। तो आइए सबसे पहले एलिजिबिलिटी के बारे में बात किया जाए। तो इन्होंने एलिजिबिलिटी, ये साइड में आप देख सकते हो ब्लू कलर का जो है एलिजिबिलिटी में, इन्होंने ये लिखा है: कैंडिडेट मस्ट हैव ऑब्टेंड 60% मार्क्स इन एग्रीगेट विद पास इन इंग्लिश, हैविंग फुल मार्क्स नॉट बीइंग लेस देन 100 इन क्लास 12। तो इन्होंने ये मोटा मोटी बोला है कि एग्रीगेट जो होगा, आप जितना पास किए उसमें आपको 60% रहना कंपलसरी है, और जो आप इंग्लिश का पेपर दिया होगा तो 100 नंबर वाला पेपर दिया होगा। ठीक है, तो आप 100 में कितना हो आप गेन किए हो वो मैटर नहीं करता, पर 100 मार्क्स वाला आप पेपर दिए होगे, और आपको टोटल एग्रीगेट जो रहेगा बेस्ट ऑफ 5 जो सब्जेक्ट रहेगा आपको 60% रहना चाहिए। अब यहाँ पे बात किया जाए कि एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है। तो एडमिशन प्रोसेस आपका जो होगा वो टोटली मेरिट बेस्ड होता है। आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करते हैं, जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा वेस्ट बंगाल एजुकेशन बोर्ड जो भी है वहाँ से नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ आपका एडमिशन शुरू होगा, तो डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मान के चलो आप जैसे ही सीबीएसई का रिजल्ट आ जाता है ना, तो डेफिनेटली ये लोग चालू कर देते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म ये लोग रिलीज करेंगे और कुछ टाइम देंगे, लगभग 15 से 20 मिनट या 15 से 20 दिन या 1 महीना आपको टाइम देंगे कि इतना से इतना बीच में आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। अब बात करें एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहता है, तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर रहता है 400 रुपीज़। ठीक है, तो 400 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। आप यहाँ पे जब आप फीस पेमेंट कर दोगे एप्लीकेशन फ़ीस, तब आपका मेरिट लिस्ट मिलेगा, तो वो लोग बता देंगे कि मेरिट लिस्ट कब से पब्लिश होगा। ठीक है, हालांकि लंबा चौड़ा टाइम चलता है एडमिशन प्रोसेस का। और सीट के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे इनटेक कैपेसिटी का जो सीट है यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, पर अच्छी खासी यहाँ पर सीटें हैं आपका हो सकता है। अब बात किया जाए कि अभी कितना परसेंटेज रहे तो एडमिशन यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो आपका परसेंटेज अगर 85+ है तो आपको लास्ट लास्ट तक बने रहना चाहिए, आपका डेफिनेटली हो सकता है एडमिशन। ठीक है, ये चीज़ें बता दिया मैंने। और बहुत लोग बोलते हैं कि भैया यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा चलता है क्या, तो मैनेजमेंट कोटा मुझे जहाँ तक नॉलेज है नहीं चलता है। कोई अगर आपसे प्रॉमिस करे कि आप इतना पैसा दे दो आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा, तो आप नहीं जाना उनके साथ। जो प्रोसीजर होता है यहाँ पे ऑनलाइन होता है, कॉलेज ऑलरेडी मेंशन करती है, तो आप प्लीज़ शॉर्टकट के चक्कर में नहीं रहो। अगर शॉर्टकट के चक्कर में आप जाओगे तो फंस भी सकते हो। तो यही चीज़ें हैं, तो हो भी ये चीज़ें क्लियरिटी हो चुकी है, पहले ही अवेयर मैं करवा देता हूँ। उसके बाद ये ड्यूरेशन के बारे में बात किया जाए, तो ड्यूरेशन आपका 4 साल का होने वाला है। आपको भी पता है एनईपी के अकॉर्डिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर आपका 4 साल का कोर्स कर दिया गया है। अब आप 3 साल में लेफ्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली गो फॉर इट, आपको पहले जो 3 साल का डिग्री मिलता था वही मिलेगा। ठीक है, कोर्सेज आवर के बारे में बात किया जाए, तो इसमें पहले क्या होता था कि इसमें
सॉरी, इसमें क्या होता है कि 10 से 6 बजे तक आपका क्लासेस चलेगा और DSSM में रहता है और कोएड आपका क्लासेस रहेगा। और फीस के बारे में बात किया जाए तो कोर्सेज का फीस आपको लगभग 40,150 रुपया फर्स्ट सेमेस्टर का फीस आपको देना होता है, ठीक है। तो ये मान के चलो आपको पर ईयर 80,000 आपको 200-300 आपको देना होगा, ठीक है। तो ये इनका फीस रहता है। अब यहाँ पे सीट कोई मेंशन नहीं किया गया, तो अपने हिसाब से आप सीटों को समझ सकते हो, सीटें अच्छी खासी रहती है, आराम से आपका एडमिशन हो जाता है, क्योंकि बैच 3-4 बैच तो डेफिनेटली चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। लास्ट ईयर भी काफ़ी लोगों का एडमिशन हो चुका था 85% पे, तो आप भी 85+ लेके आओ, डेफिनेटली आपका हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा सिलेबस के अंदर, CBCS के अंदर सिलेबस के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, कि ताकि आपको क्लियरिटी थोड़ा बहुत तो मिल ही जाए। तो BBA कैलकटा यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है, आपको बताया डिग्री जो मिलेगा वो कैलकटा यूनिवर्सिटी का ही मिलेगा। आपको देख सकते हो ये आपका कंसर्न सिलेबस, CBCS है, मेजर माय, ये सारे सिलेबस है आपका, देख सकते हो। BCom का है ये, बिजनेस अकाउंटिंग, अच्छी खासी BBA में आप देख सकते हो, BBA बिजनेस कम्युनिकेशन है, ये चीज़ें यहाँ से आप देख लो, ठीक है। ये चीज़ें आपको आपके लिए है, वो सब जब ओरिएंटेशन होगा ना, तो वहाँ पे वो लोग आपको डेफिनेटली बता देंगे, ठीक है। अब एप्लीकेबल फॉर स्टूडेंट एडमिटेड फ्रॉम 2023-2024 व्यू सिलेबस अंडर NEP, ये सब सिलेबस वगैरह है, ठीक है। तो होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है, कैसे आपका प्रोसेस होगा और आपका एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया, कोर्स ड्यूरेशन, फीस, ये सारे चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है। तो मैं ओवरव्यू बता देता हूँ आपको, कैसे आपका प्रोसीजर रहता है। तो भवानीपुर एजुकेशनल सोसाइटी कॉलेज में BBA ऑफ़र किया जाता है, काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है, आप जा सकते हो, ठीक है। आपको स्पेशलाइजेशन BBA में आपको मार्केटिंग, फिनांस, HR, मैनेजमेंट ऑफ ग्लोबल बिजनेस आपको मिलेगा। और आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बात किया जाए तो इसमें एग्रीगेट यानी क्लास 12th में आपको 60% मार्क्स रहना कंपलसरी है, और इंग्लिश जो होगा 100%, 100 नंबर वाला मार्क आप एग्ज़ाम दिए होगा क्लास 12th में, तो समझ सकते हो। उसके बाद आपका कोर्स ड्यूरेशन रहेगा 4 साल का रहेगा, अगर आप 3 साल में लेफ्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली गो फॉर इट। कोर्सेस आपका चलता है DSSM में चलेगा, कोएड रहता है, यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों साथ में पढ़ेंगे। 10 बजे सुबह से शाम के 6 बजे तक आपका क्लासेस होगा। तो क्लासेस कब से कब तक, हफ्ता में कितने दिन चलते हैं, तो मंडे टू फ्राइडे चलते हैं। कोर्स फीस रहता है 40,150 पर सेमेस्टर का, तो ईयरली आप 80,300 आप पकड़ लीजिए, ठीक है। तो ओवरऑल यही रहेगा। एडमिशन कब से स्टार्ट होगा, तो CBSE का बोर्ड का रिजल्ट आ जाता है तब स्टार्ट हो जाएगा, और एडमिशन प्रोसेस टोटली मेरिट बेस होता है। तो होप ये चीज़ें कन्फ्यूजन दूर हो चुकी है, फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। चलिए, बाय, लव यू, और ख्याल रखिए अपना।